बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है व्यूअर्स भी बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6 का ठीक है पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो सवाल हैं वो आप इसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे मेरे बेटा। तो ध्यान दो सब बोर्ड पे। सबसे पहले हमारे पास सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर, इसका मालूम क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है इसका। उर्दू में कहते हैं हासिल जरब मालूम करें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरे बेटा? सोल्यूशन। क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। तो नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा। अब क्या करना है? पहली ब्रैकेट से दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है? जो भी यहाँ पहली वैल्यू होगी वो उठा के बाहर रखेंगे और जो दूसरी ब्रैकेट है सेम उसके साथ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने सेम रख दी उसके साथ। अब क्या करना है? आगे जो ये निशानी होगी वो रखनी है और साथ में जो नंबर लिखा होगा हम वो लिखेंगे। माइनस बी स्क्वायर आगे रखा, फिर दोबारा जो दूसरी ब्रैकेट होगी हम उसके साथ रखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट में हमने एक साथ ही पहली वैल्यू बाहर रखी, इसको दूसरी ब्रैकेट साथ में रख दी, माइनस दूसरी ब्रैकेट वैल्यू रख के उसकी जो दोबारा दूसरी ब्रैकेट है वो साथ में। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, इससे पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और इससे पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होते हैं। एक दफा ए लिखा, 2a और 2a कितने हो जाएंगे? 4। अब आगे यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस। प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर नंबर के साथ। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 अंदर 2। ए स्क्वायर और ए मतलब 2a और 1a का ये, तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, ए क्यूब पढ़ते हैं उसको। और साथ में क्या लिख देंगे बेटा? बी, एक साथ ही लिख दिया। अब आगे क्या है? प्लस 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 प्लस। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों को एक साथ हमने रख दिया। एक ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई करके खोल के रख दी। अब क्या करना है? दूसरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, हालांकि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखते हैं तब बी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अरेंज कर लिया है क्योंकि ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसका भी जवाब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही होना चाहिए। अब आगे क्या है? माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है बेटा, 2 अंदर 2 हो जाएगा, ए अपनी जगह पे हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और ये बी क्या हो जाएगा? बी क्यूब हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ ए क्यूब किया था। फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी पावर 4 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं या उसके अंदर कौन सी अरेंजमेंट आ रही है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने देखा ए पावर 4 सेम रखा मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे कि माइनस का 2ab क्यूब है और इधर का प्लस 2ab क्यूब है, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे, एक जैसे वैल्यू कैंसिल करते हैं। तो इधर क्या बचा हमारे पास? 2a³b। अब आप यहाँ देखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये क्या है? माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आगे क्या बचा है? प्लस 2ab³ और आखिर में हमारे पास क्या है? माइनस का 4b पावर 4, ठीक है। अब आपके पास ये आंसर आ गया। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा, कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा।